चलो लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। हम आपसे मुखातिब हैं इस वक्त मैदान बदर में, बदर की बस्ती में, मस्जिद आरिश के सामने से। मस्जिद आरिश हमने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मस्जिद आरिश वो जगह है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा लगाया गया था जंग बदर के दौरान। जंग बदर से मुतल्लिक मुकम्मल व्लॉग हमने जो अपलोड किया था, अगर आप वो देखना चाहते हैं, जिसमें हमने पूरा जंग बदर का पूरी हिस्ट्री और पूरा जो है वाकया बयान किया था, तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये हम जहाँ मस्जिद से बाहर निकले तो थोड़ा आगे गए तो हमें रास्ते में ये कुछ बस्ती सी पुराने से मकानात नज़र आए, तो हमने सोचा कि चलें इसको भी विज़िट कर लेते हैं। वैसे भी आसार कदीमा देखने का तो बहुत शौक़ है। ये नज़र आया हमें एक बारकोड, तो हमारे बच्चों के बाबा ने जब इसको देखा और मामू ने, यानी हमारे बच्चों के मामू ने, मेरे भाई ने जब देखा तो उन्होंने फ़ौरन से हुक्म दिया कि जनाब इसको पहले स्कैन करके देखो कि ये क्या जगह है। तो हमने जब इसको स्कैन किया तो वहाँ से हमें जो मालूमात मिली उसके मुताबिक ये पुराना बदर का पुराना मार्केट है, यानी बदर में बहुत पुरानी जो है ये मार्केट है। यहाँ आपको दिखाते हैं, हम स्कैन करने के बाद जो डॉक्यूमेंट मिली वो कुछ ये थी, जिस पर लिखा हुआ है इस्मुल मौके सूक बदर अल कदीम, यानी बदर का पुराने बदर का बाज़ार। अब इस पे कुछ मेंशन नहीं था कि ये पुराने बदर का बाज़ार 1400 साल पुराना है या 700 साल पुराना है या 800 साल पुराना है। बहरहाल जितने साल भी पुराना है, इसकी इमारत को देखने का और पुरानी इमारतों को देखने का अपना ही एक मज़ा और एक जो है सुकून सा इंसान को मिलता है पुरानी चीज़ों को देखकर और पुरानी तामीरात को देखकर। तो चलिए आपको भी हम दिखाते हैं अपने साथ साथ। ये देखें इस घर का दरवाज़ा कितना, घर है या मार्केट, ये तो घर महसूस होता है क्योंकि वो देखें पीछे जो कमरा है उसके आगे भी कुछ आड़ सी की हुई है इन्होंने, जिस तरह के ये सामने सहन हो और पीछे कुछ उनका कमरा हो ना, तो ये घर ही महसूस हो रहा है। कुछ 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 जो है वो बीच में से ऐसी लगती हैं तामीरात के, लगता है हाँ ये मार्केट का हिस्सा होगा, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि घर होंगे। तो देखते हैं, आपको भी साथ साथ दिखाते हैं कि क्या है। कुछ जो घर हैं उसमें पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और कुछ में कच्ची ईंटों का, कच्ची ईंटें इस तरह की नहीं है जिस तरह की हमारे अब या कुछ अर्से पहले के गाँव में होती हैं या होती थीं, तो ये थोड़ी मुख्तलिफ किस्म की हैं। जाहिर सी बात है उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और इतना सब कुछ नहीं था, तो वो मतलब में हाथों से ही तब बनाया करते थे, तो उस टाइप की ही कच्ची ईंट है ज़्यादातर, या फिर कुछ पत्थर हैं जो पक्के मकान अपनी तरफ से उन्होंने बनाने की कोशिश की, वो जो हैं ये पत्थर जो नज़र आ रहे हैं इस तरह के हैं। लेकिन दरवाजे मैं देख रही हूँ कि दरवाजे जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, दरवाजे छोटे नहीं हैं। खजूर के पत्तों का और खजूर के तनों का इस्तेमाल किया गया छत के लिए, और दीवारें जो हैं वो मिट्टी गारे और पत्थरों की हैं या मिट्टी की ईंटों की हैं। ये देखिए भी कितना लंबा सा है बनावट जो है इसकी ना, और इस साइड पे भी देखें काफ़ी गलियां भी हैं अंदर ना, जैसे पूरा एक इलाका आबाद होता है, बस्ती टाइप है। सिर्फ मुझे लगता है कि ये सिर्फ बाज़ार नहीं है, बाज़ार सिर्फ वो हिस्सा था जहाँ पे वो बारकोड लगा हुआ था, उसके आसपास का कुछ हिस्सा होगा, लेकिन मुकम्मल तौर पे तो ये बाज़ार नहीं लगता। ये देखें ये एक और घर है। हैरानी इस बात की होती है कि इतने पुराने, मतलब बेशक 1400 साल पुराने नहीं हैं लेकिन फिर भी काफ़ी पुराने हैं। जैसे आपको इनको देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि कम से कम 300-400 साल पुराने तो शायद ये होंगे ही, इतने पुराने भी अगर हों तो इतने अरसे तक टिकना इस कच्चे घरों का बहुत बड़ी बात है। तो ये देखें ये इस तरफ से ये देखें गलियाँ ये बनी हुई हैं बाकायदा, बड़े मुनज़्म तरीके से बस्ती बनी हुई है, ऐसे नहीं कि जहाँ जिसका दिल किया उसने घर बना लिया। चलो जी ये देखें ये भी पीछे उसी तरह का, जिस तरह का पहले हमने आपको एक दिखाया था उसी तरह का इसमें भी कमरा नज़र आ रहा था। ये देखें ये भी किस कदर, ये बिल्कुल ही लगता है गारे से बने हुए, मिट्टी गारे से ना, इसमें कोई पत्थर वत्थर नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये भी देखें इसमें भी गलियां बनी हुई हैं बारीक,
ये अंदर से देखें, अंदर ये दे मिट्टी का बना हुआ। अच्छा ये तो ईंटे ईंटे हैं, कच्ची ईंटें जो नहीं इस्तेमाल करते थे पहले गांव शाव गांव में, उस तरह की ईंटें हैं। और ऊपर देखें वो खजूर के तनों और खजूर के पत्तों से जो है छत बनाई हुई है, कितना अच्छा लगता है ना। मेरी यहाँ बस्ती में चलते फिरते ये सोच के ना ऐसा लग रहा है जैसे जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही घरों में रहते होंगे, या शायद इससे भी गए, मतलब तामीर इससे भी कम दर्जे के वो घर होंगे। लेकिन क्या ही रूहानियत होती होगी इन घरों की, और क्या ही सुकून होता होगा। और इन घरों को देखकर पुराने गांव भी याद आ रहे हैं। हम जब बहुत छोटे थे तो बचपन में गांव जब जाया करते थे तो वहाँ पर मिट्टी के या मिट्टी की ईंटों के घर जो हुआ करते थे, वो बहुत याद आए इसको देखकर, गांव के घर। और वो जो सुकून और वो जो मज़ा आता है ना उन घरों का, वो हमें बहुत याद आया। और एक और बात भी कि इन घरों को देखकर ये भी याद आ रहा था कि पता नहीं कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे अकड़ और गुरूर वाले लोग इन घरों में रहते होंगे जिनका अब नामो निशान तक बाकी नहीं है, और हम लोग यानी उनकी आने वाली नस्लें इनको देख रहे हैं और मतलब उनके बारे में बात भी कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं। कई इन घरों में ऐसे लोग रहते होंगे जो बहुत अपने वक्त में अकड़ते होंगे, बहुत उनको गुरूर होता होगा, कुछ सरदार होंगे, कुछ किस तरह के लोग होंगे जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते होंगे। लेकिन देखें कि आज वो कहाँ हैं, मनो मिट्टी के नीचे कहीं सो रहे हैं, और उनके घरों में हम जैसे लोग कितने 100 सालों के बाद आकर उनको जो है देख रहे हैं। और घर वहीं कायम है, चीज़ें हैं वहीं मौजूद हैं, दुनिया सब सब की सब चल रही है। लेकिन वो कि जिसको गुमान था कि मेरे बगैर दुनिया में फलां काम नहीं हो पाएगा, या मेरे बगैर जो है दुनिया ही नहीं चल पाएगी, शायद इंसान को ये गुमान होता है कि मैं ये बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मेरे बगैर दुनिया रुक जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं रुकता और कुछ भी नहीं जो है ख़त्म होता। इंसान ख़त्म हो जाता है, दुनिया वहीं की वहीं रहती है, चीज़ें वहीं की वहीं रहती हैं, कारोबारे ज़िंदगी और कारोबारे दुनिया जो है वो चलता रहता है। तो इन घरों को देखकर ये भी ख्याल आ रहा था कि कई लोग हों इसमें, ऐसे लोग रहते होंगे जिन्होंने कभी भी तसव्वुर नहीं किया होगा मौत का, या दुनिया से चले जाने का, या उनको लगता होगा हम हमेशा यहीं रहेंगे। तो ऐसी जगहों को देखकर इंसान को दुनिया की बेसबाती का और भी ज़्यादा यकीन हो जाता है, और इंसान को जो है इस तरह की जब बातें सोचने को मिलती हैं तो इंसान की मेरे ख्याल में कि इंसान जो है वो ऐसी चीज़ें जो है दुनिया में होनी चाहिए ताकि इनको देखकर इंसान दुनिया में जो दिल लगाने का एक वहम इंसान को होता है कि दुनिया में दिल लगा हुआ है, और इस तरह वो ज़रा सा थोड़ा सा उस दीवार में एक दरार पड़ती है कि नहीं भाई ये दुनिया हमेशा नहीं रहनी, हमने यहाँ से कहीं चले जाना है। जैसे हमारे पहले लोग थे, हमसे पहले वाले यहाँ थे, अब उनका कोई नामो निशान नहीं है, एक दिन हम भी चले जाएंगे और हमारा भी यहाँ नामो निशान नहीं होगा। तो इंसान को आखिरत की फ़िक्र होती है, ऐसी जगहों को देखकर इंसान अपनी आखिरत की फ़िक्र करने लगता है। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आखिरत की अच्छी तरह तैयारी करने का करने की तौफीक अता फरमाए। बस्ती हमने देख ली है जी, अब हम चल रहे हैं आगे, देखें कि हमारी जो है कहाँ ले जाते हैं हमारे काफ़िले के जो सालार काफ़िला हैं, हमारे हस्बैंड और हमारे भाई साहब, देखें कि अभी हमें अगला पॉइंट कहाँ लेके जाते हैं। चलिए हम भी चलते हैं आपके साथ साथ, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ये भी किसी पुरानी बस्ती के आसार हैं, ये वाले जो हैं ये थोड़े से उनसे बेहतर हैं, थोड़े डेवलप्ड लग रहे हैं क्योंकि इनमें पत्थरों का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है और मिट्टी का इस्तेमाल कम है। लेकिन ये भी बड़ा खूबसूरत मतलब लग रहा है, पत्थरों के साथ ना वो कलर बड़ा अच्छा लग रहा है इनका भी। और ये पीछे जो आपको मकानात नज़र आ रहे हैं, ये जाहिर सी बात है नई बस्ती, बट नहीं अब तो बस्ती नहीं कह सकते, अब तो शहर ही कह सकते हैं, नया बदर है। अच्छा जी, तो ये लोग हमें लेके जा रहे हैं, ये जबल मलाइका जो मशहूर है यहाँ पर लेके जा रहे हैं। चलें चलते हैं, इंशाल्लाह करीब पहुँच कर आपसे बात होगी। इस बात में भी इख्तलाफ है कि ये जो पहाड़ी है जबले मलाइका जो है ये वाकईतन वही जबले मलाइका है, वही जगह है जहाँ पर फरिश्ते उतरे थे। तो ये जो आप दाईं तरफ पे रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में दाखिल हुए थे। तो इस और हदीस की किताबों के मुताबिक अगर देखा जाए हवालात से तो वहाँ पर यह आता है कि कसीब अल हन्नान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं हाथ पर था, तो ये पहाड़ी दाएं हाथ पर ही बनती है। तो इस हिसाब से ये कसीब अल हन्नान हुआ, ना कि ये वो जगह हुई जहाँ पर फरिश्तों का नजूल हुआ था।
फरिश्तों का नज़ूल जिस घाटी में हुआ था, वो घाटी दो पहाड़ियों के बीच में है। वो मैं आपको उस तरफ दिखा चुकी हूँ पिछली वीडियो में, जो मैंने गज़वे बदर की मुकम्मल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को वो मकाम दिखाया था कि जहाँ पर फरिश्तों का नज़ूल हुआ था। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो बहरहाल कतीबुल हनान की जो तारीखी हैसियत है वो ये है कि इसके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला पड़ाव किया था यहाँ दाखिल होने के बाद। तो बहरहाल फरिश्तों का नज़ूल इस पर हुआ है या नहीं हुआ, उस बहस में ना भी अगर जाया जाए तो भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर पड़ाव किया था, उस लिहाज से तो ये मतलब हमें बाबरकत जगह लगती है और हम इसकी ज्यारत इस नीयत से भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि फरिश्तों का नज़ूल हुआ है तो ही हम इसकी ज्यारत करें और इसको देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जिस चीज़ से भी है हमें वो चीज़ बहुत प्यारी है। हमें तो पूरा मदीना प्यारा है, पूरा जो है मक्का मदीना के दरमियान के सारे रास्ते प्यारे हैं, यही सोच करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजरे होंगे, यहाँ से उनका गुजर होता होगा। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते के पास से गुजरे और उन्होंने इसके पास क़याम किया, तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है इसकी ज़्यारत को इसकी ज़्यारत का शौक़ बढ़ाने के लिए। बहरहाल देखते हैं, आप देखें ये वो यही वो पहाड़ी है जिसके बारे में मशहूर किया कि जबल मलाइका है, तो इसको भी देखें। ये इसकी ख़ास बात यह है कि ये बिल्कुल रेत है, मतलब रेत का टीला है आप सही समझ लें। और ये आप कितने अरसे से ये यूं का यूं ही है, हालांकि आंधियाँ चलती हैं, तेज़ हवाएँ चलती हैं, लेकिन इसकी रेत जो है वो कहीं नहीं जा रही, वो यहीं की यहीं है। तो इसका आप देखें, करीब से इसका व्यू देखें। तो ये अभी हम असल में बदर जो है वो मदीना से हम अपने घर की तरफ जब जाते हैं तो रास्ते में ही पड़ता है। तो अभी हम फिर से वापसी अपने घर की तरफ चलना शुरू हो गए हैं, रवाना हो गए हैं। तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और देखें कोई खाने का अगर मकाम मिलता है तो इंशाल्लाह खाना खाएंगे, बच्चों को भी खाना खिलाएंगे। और ये देखें मुहाफ़ज़ातु बदर लिखा हुआ है। और थोड़ी देर आगे हम पहुँचे तो हमें ये नज़र आया एक मतामल बुखारा बुखारी, तो यहाँ पर हमने सोचा कि खाना खा लिया जाए। तो यहाँ पर ये एक बिल्ली बैठी हुई थी, बच्चों को हमारे बच्चों को बिल्ली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये इनका दिल था कि जो है ना बस बिल्ली के साथ ही खेलते रहें। खैर इन्होंने थोड़ी बहुत उसको छेड़ने छोड़ने की कोशिश की बिल्ली को, लेकिन बिल्ली ने कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया बच्चों को। तो चलें जी चलते हैं, ये देखें ये बिल्ली के साथ छेड़खानियाँ चल रही हैं बच्चों की। ये हादी साहब जो है ना ये बिल्ली को प्यार कर रहे हैं। चलो लेट्स गो। खाने के बाद खाना बड़ा अच्छा था, खाना भी हमने खा लिया। उसके बाद फिर जो है ना बच्चे जो हैं यहाँ पर इन्होंने कुशन सारे इकट्ठे किए और ये यहाँ पर खेलना शुरू हो गए। असल में सीटिंग अरेंजमेंट बड़ी अच्छी थी ना, नीचे बैठने वाला सिस्टम भी था तो बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था। उन्होंने यहाँ पर सारे गद्दे वद्दे इकट्ठे करके और आराम से खेलना शुरू कर दिया और घंटा डेढ़ खूब इंजॉय किया। हमने नमाज़ वगैरह भी पढ़ी, खाना वाना भी खाया सब कुछ, और सारे अरसे में जो है ना बच्चों को कोई खाने की परवाह नहीं, कोई किसी चीज़ की परवाह नहीं, बस उनको खेलने की एक जगह मिल गई थी। उन्होंने अपना खेल शुरू किया और बस खेलते ही रहे वहाँ पर। होटल वाले जो भाई थे वो भी इनको देख देख के बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि होटल में कोई था ही नहीं, सारा उस वक्त वीरान सुनसान पड़ा हुआ था दोपहर के टाइम, तो इनकी वजह से बच्चों की वजह से वहाँ रौनक लगी हुई थी। इनकी हरकतें देख लें बच्चों की, बस इनको कहीं जगह मिल जाए। बहरहाल खाना वाना खा के हम चले और ये देखें जी हम लोग कुछ टाइम के बाद जो है पहुँच चुके हैं अपने काउस्ट के एरिया में और घर पहुँच चुके हैं समझें। जैसे ही काउस्ट के गेट से एंटर होना तो सुकून मिल जाता, लगता है बस घर पहुंच गए। तो ये सनसेट का खूबसूरत नज़ारा है और काउस्ट जो है ना वो बिल्कुल समंदर के किनारे पर है, तो सनसेट आप रोज़ भी देखना चाहें तो रोज़ भी जाके देख सकते हैं, घर से 2 मिनट की ड्राइव पे जो है ना सी साइड है। तो चलें जी ये व्लॉग हुआ ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।